लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सच्ची गुड़िया ब्लॉग। सच्ची गुड़िया ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम करवा चौथ का ब्लॉग लेके आए हैं, तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए कॉमेंट जरूर करें, थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए, करवा चौथ का वीडियो हमने बना लिया, हमने सोचा आप तक शेयर कर दें और आप फुल वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। तो आप देखिएगा मेरा करवा चौथ का लुक कैसा था, हम आपको बताएंगे। तो करवा चौथ के एक दिन पहले हम जो है ब्लीच किए थे थोड़ा फेस, हम सोचे क्लीन कर लें, और फेस बहुत डस्टी हो गया था, एकदम गंदा सा हो गया था। तो हमने सोचा थोड़ा सा ब्लीच घर में ही कर लें, क्योंकि बाहर पार्लर में ना तो टाइम था उन लोगों पास, और इतना ज़्यादा महंगा रेट कर दिए थे कि क्या बताएं, और टाइम मेरे पास भी नहीं था क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है और मैं पार्लर इतनी देर के लिए नहीं जा सकती। तो हमने घर पे ही ब्लीच लेके आया और हमने रात में लगा लिया, जब मेरा बच्चा सो गया तब। तो देखिए हम लगा रहे हैं, आप भी अगर घर पे करते हैं फेसियल या ब्लीच करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हम पहली बार लगा रहे थे, हम कभी लगाए नहीं हैं खुद से, तो हमने सोचा इसी बहाने ट्राई भी हो जाएगा और इसी बहाने सारा मतलब मेकअप भी हो जाएगा इसी बहाने अच्छा सा, क्योंकि जब थोड़ा सा ग्लो आ जाता है और मेकअप करो तो चेहरा एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। तो सब इतना सज धज रहे थे करवा चौथ पे, तो हमने सोचा थोड़ा सा हम भी क्लीन अप कर ले अपने फेस का और उसके बाद फिर तैयार होंगे। तो हमने रात में पहले ब्लीच किया, हमने एक दिन पहले ब्लीच किया था, दूसरे दिन हमने मेहंदी लगाया था। तो ये रात के बज रहे होंगे, हमको लगता है 12 बज रहे होंगे या 1 बज रहे होंगे, तब हमने लगाया था। तो हम लगा के इसको 15-20 मिनट छोड़ दिए थे, और देखिए बातें कर रहे हैं हम। तो सूखने का हम वेट कर रहे हैं, हमको लगता सूख गया था, तो थोड़ा सा गीला ही था तो हम पोंछ लिए थे, क्योंकि हम सोचे कि थोड़ा जल्दी हो जाए, मुझे नींद भी आ रही थी। तो हमने एक छोटी सी रुमाल थी तौलिया टाइप में, तो उसको हमने गीला किया, उसके बाद उसका पानी निचोड़ के अपने चेहरे पे अच्छे से क्लीन कर लिया, अच्छे से साफ कर लिया और सुखवा लिया फेस को। तो देखिए थोड़ा सा आपको ग्लो दिख रहा होगा, तुरंत तो नहीं दिखता है लेकिन थोड़े टाइम बाद दिखता है। अब दूसरा दिन था करवा चौथ के एक दिन पहले की बात है, हमने एक हाथ में मेहंदी लगा लिया था, बच्चे को हाथ में बर्तन, पहले मैंने सारा काम कर लिया था, बर्तन धुल लिया, किचन साफ़ कर लिया, सारा कर लिया था, खाना भी बना लिया था। तो हमने सोचा अब मेहंदी लगा लेते हैं, बाहर तो जाना नहीं है मुझे मेहंदी लगवाने, घर में ही लगा लेते हैं। और देखिए हम कैसे लगाए हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा कि मेहंदी मेरी कैसी थी। और खुद से मैंने लगाया था पहली बार, हर बार हम भी बाहर लगवाते थे, अब की हमने खुद से ट्राई किया था। एक हाथ में मैंने लगाया था, एक हाथ में मेरे हस्बैंड ने लगाया था। तो देखिए अब करवा चौथ का पहला दिन है, मतलब स्टार्ट हो गया, सुबह का टाइम है, और सुबह क्या दोपहर हो गए थे, सुबह तो हमने पानी वानी कुछ भी मतलब कुछ भी हम लोग पीते नहीं हैं, पूरा निर्जला व्रत होता है जो वही हो रहते हैं। तो यहाँ कहानी होती है, यहाँ पे ये परंपरा है कि कहानी पहले होती है दोपहर में, उसके बाद जल देते हैं सूर्य भगवान को, फिर लोग बहुत लोग चाय वाय भी लेते हैं, तो हम भी जल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ रहते हैं। तो सबके साथ थोड़ा सा हम सोचे कि क्या भगवान की पूजा सुनने में कौन सा हर्ज है, हमारे यहाँ तो शाम को ही सारा चीज़ होता है, लेकिन हम सोचे कि पूजा कर ले ही लेते हैं, पूजा करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। और रात का आ गया टाइम और हम एकदम मतलब साड़ी पहन रहे हैं, साड़ी पहन नहीं पाते हैं, थोड़ा ऐसे कोशिश कर रहे हैं अपने आप से, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं घर में कि कोई पहना दे, तो हम थोड़ा कोशिश किए और अच्छे से बन गई साड़ी, बहुत अच्छी थी और अच्छे से बन गई। आप देख ही सकते होंगे कि साड़ी कैसी है, आप कमेंट्स में बताइएगा ये भी कि साड़ी आपको कैसी लगी मेरी, और मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लगा। तो बिल्कुल एकदम सिंपल वाला जो होता है वही मैंने किया था, क्योंकि ना मैंने कोई फेसियल ना मतलब कुछ भी नहीं करवाया था बाहर, ना मेहंदी, मतलब सब घर में किया था हम। और देखिए तैयार हो गए हम, पूजा करने लगे। हमारे यहाँ शाम को ही पूजा होती है, जब चंदा निकलता है उसके पहले पूजा होती है, तो पूजा की हम पहले तैयारी कर रहे हैं, और सारा सामान हमने इकट्ठा रख दिया था पूजा का। तो हम सोचे चलिए पहले तैयारी कर लेते हैं पूजा की, पहले तैयार हो गए थे। और मेरे बच्चे को मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा पकड़ रहा था, मैंने वो आकर भी बैठा दिया था पूजा करने के टाइम, उसके पहले ये लोग पकड़े थे। तो देखिए बहुत अच्छे से बैठी है, देख रही है मम्मा क्या कर रही हैं। और पता है जब मैं तैयार हो रही थी इतना खुश हो रही थी, ये इतना खुश हो रही, जब कभी भी मैं तैयार होती हूँ मेरी लिपस्टिक मेरी बिंदी मुझे देख के इतना खुश होती है बहुत ज़्यादा। वो लड़कियों को होता है कि पहले से ही मेकअप के ऊपर मेकअप की तरफ इन लोगों का वो होता है, झुकाव होता है,
तो इन लोगों को बहुत पसंद होता, हमको भी पसंद था, इसीलिए इसको भी पसंद है। मुझे काजल बहुत पसंद होता है। तो हमने पूजा स्टार्ट कर दिया है, दीपक उपक चला लिया, भगवान जी को फूल चढ़ा दिया, आप देख ही सकते हैं। और आप पूजा हम स्टार्ट करने वाले हैं, कथा पढ़ेंगे। पहले हमारे यहाँ शाम को छत पे ही पूजा होती है, तो यहाँ छत पे जगह नहीं थी, तो हम अपने घर में कमरे में ही पूजा कर रहे हैं। दीपक हमने चला लिया है और हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। हस्बैंड हमारे कपड़े चेंज कर रहे थे, तो हमने सोचा तब तक अकेली थोड़ा पूजा कर लेते हैं, फिर उनके साथ करेंगे। तो हम करवा माता से बदल रहे हैं, क्योंकि करवा बदलने के लिए कोई दूसरा भी होना चाहिए, तो कोई दूसरा तो था नहीं, तो माता रानी से अच्छा कौन हो सकता, तो हमने करवा माता रानी से ही बदल लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ चौमुखा दीपक, इसको बोलते हैं चौमुखा दीपक, जलाते हैं और हम अब भोग लगाएंगे माता रानी को। जो भी माता रानी ने दिया सब माता रानी को समर्पित हम कर रहे हैं। आप लोग क्या क्या चढ़ाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, ये बताइएगा ज़रूर। हमारी तो पूजा जो भी जितना भी समझ था उतना हमने किया, क्योंकि कभी मैंने किसी के साथ अभी तक पूजा नहीं किया है कि उनका देख सकूँ वो लोग कैसे करते हैं। हमारे जितना समझ थी उतना हमने कर दिया। ये देखिए हमारे बच्चा वाकर में बैठा और शांत से देख रहा है क्या हो रहा है आज। तो सब चीज़ चढ़ा दिए हैं, पूरा श्रृंगार का सामान, हर चीज़ जो भी मैंने लिया था सब चीज़ माता रानी को चढ़ा दिया। उसके बाद मैं अपनी सासू मम्मा को देती हूँ चढ़ाने के बाद, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी चढ़ाते हैं उसको अपनी सास को देते हैं। तो हमने अपनी सास को, सास के लिए हर बार चढ़ाते हैं। बिछुआ ले आए थे, बिछुआ हमने चढ़ा दिया माता रानी को, श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा दिया। तो आप ब्लॉग में बताइएगा कि आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और फुल ब्लॉग वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको सारा चीज़ क्लियर समझ में आएगा कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या आगे अभी करेंगे, और आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। तो मेहंदी हमारी बहुत अच्छे से रच गई थी। अब हम कहानी स्टार्ट कर दिए हैं, तो चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। बोलो शंकर जी पार्वती की जय। जी की कहानी सुनाते हैं, ठीक। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। बहुत गरीब था वह अंधी बुढ़िया, नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करते थे। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे कुछ नहीं मांगना आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष बची जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू मेरा सबका भी भला हो जाए वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की चोट की कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान प्रतिभता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। नए योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर के कच्चे सूत की धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, इस अपराध से मैं अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो।
करवा की आवाज सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की आवाज सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यम लोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना चाहिए। जल का सेवन नहीं किया, जिसकी वजह से वीरावती बेहद परेशान हो गई थी। ऐसे में उनके भाइयों ने गांव के बाहर वट के वृक्ष पर एक लालटेन जला दी और अपनी बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उसने अर्घ देने के लिए कहा। अर्घ देने के बाद वीरावती भोजन की करने के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आया और तीसरे कौर में ससुराल से बुलाया आया। जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी वजह से वीरावती बिलख कर रोने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के पूर्ण प्रताप से वीरावती के पति को पुनः जीवन मिल गया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। जय करवा माता की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख दे दे कोढ़ी को काया, को माया। जय गणेश देव हार नहीं आ रहा, हार चढ़े फूल चढ़े की लाज रखो, तुम्हारी कामना को पूरा करो जम बलिहार। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, दुख सारे हरियों जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो मैया, जय करवा मैया। विघ्न सभी नाशे ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे, व्रत जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया, ओम जय करवा मैया। बोलो करवा मैया की जय। आरती कर लो। नहीं बेटा, सब लोग आए हैं।
हूँ।